दोस्तों, विदेश में सार्वजनिक मंचों पर अपनी तारीफ करना प्रधानमंत्री मोदी के लिए कोई नया या फिर हैरान करने वाला विषय नहीं रह गया है। ऐसा वो पिछले कई वर्षों से लगातार करते आ रहे हैं। इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए अपने पिछले 9 साल के कार्यकाल की तमाम उपलब्धियां गिना दी। इसी बीच एक बात उन्होंने कही जिसको सुनकर हो सकता है आपको दांतों तले उंगली दबाना पड़े। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय के प्रवासियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कोरोना के समय में बहुत से देशों को अपने नागरिकों को पैसा भेजने में मुश्किल आई थी, लेकिन भारत उन देशों में से था जो एक क्लिक कर ये काम चुटकियों में कर रहा था। अब ऑस्ट्रेलिया में कही इस बात पर दोस्तों अगर आप गौर करें तो क्या वाकई में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने नागरिकों को कोई राहत पैकेज DBT या UPI के माध्यम से कोरोना काल में की थी? तो मेरे पास जो इसका जवाब है वो है नहीं। कोरोना काल में राहत पैकेज के नाम पर अपने नागरिकों को भारत सरकार की तरफ से DBT या UPI के माध्यम से कोई डायरेक्ट आर्थिक मदद नहीं दी गई, जबकि अमेरिका ने अपने नागरिकों को $600 से $1200 के चेक कोरोना राहत के नाम पर दिए थे। स्पेन ने अपने देश के 850,000 सबसे गरीब तबके के लोगों को $1,145 हर महीने दिए थे। जापान ने कोरोना में सभी नागरिकों को $969 से लेकर $3,000 तक दे दिए। कनाडा ने अपने फ्रंटलाइन वर्कर्स और कामगारों को $1,200 तक कोरोना राहत पैकेज के नाम पर दिए और जर्मनी ने तो आर्थिक मदद के तौर पर 5,000 से 15,000 यूरो तक अपने देश के नागरिकों को कोरोना काल में मदद के लिए दिया था। लेकिन भारत से ऐसे किसी भी प्रकार की आर्थिक मदद के कोई साक्ष्य जिसमें DBT या UPI के माध्यम से जरूरतमंद को सीधा पैसा दिया गया हो उसका कोई साक्ष्य हमारे पास मौजूद नहीं है। फिर भी आज हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, कोरोना के समय में बहुत से देशों को अपने नागरिकों को पैसे भेजने में मुश्किल आई थी, लेकिन भारत उन देशों में था जो एक क्लिक पर ये काम पलकों में कर रहा था। दोस्तों, प्रधानमंत्री जब ये बात बोले तो उसके पहले उन्होंने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की स्कीम का जिक्र किया था, जबकि इस बात के ठीक बाद उन्होंने UPI ट्रांसफर का जिक्र किया था। इन दोनों उपलब्धियों के बीच में ही प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना में आर्थिक राहत भेजने वाली बात भी कही है। अब उनके समर्थक ये कह सकते हैं कि मोदी अपने DBT या UPI ट्रांसफर स्कीम की तारीफ कर रहे थे, दरअसल वो कोरोना में आर्थिक मदद की बात नहीं कह रहे थे। उनके समर्थक ऐसा करके उनको बचा सकते हैं, लेकिन सच्चाई समझने के लिए आपको ये वीडियो फिर से देखना पड़ेगा। कोरोना के समय में बहुत से देशों को अपने नागरिकों को पैसे भेजने में मुश्किल आई थी, लेकिन भारत उन देशों में था जो एक क्लिक पर ये काम पलकों में कर रहा था। अब दोस्तों, असल में आप समझें तो ऑस्ट्रेलिया में कही गई इस बात का एक ही मतलब है, कोरोना में राहत के लिए भारत ने भी नागरिकों के खाते में डायरेक्ट पैसे भेजे, जो कि सरासर झूठ है। भारत ने कुछ भी भेजा है तो वो है 5 किलो अनाज, वो भी DBT या UPI के माध्यम से नहीं, राशन कार्ड से। गोदी पत्रकारिता के जमाने में निष्पक्ष रिपोर्टिंग किसी चुनौती से कम नहीं। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।